Hello Virgo, basically Virgo month chal raha yaar guys. Virgo, how you guys are doing? Virgo, it's the Virgo season. Aap log ke birthdays aane wale, so wishing you all Virgos, jin jin ke bhi birthday aane wale, a very happy birthday. Virgo, let's see aapka September mein love life kaise rehne wali hai. Virgo, I'm offering personal readings as well. Agar aap log ko mere se personal readings karwani hai, I offer very minimal fees. You can get a personal reading done with me, and these are very general readings. Some people may resonate with it, some people may not resonate with it. So take those things that are resonating with you. Okay, Virgo, let's see. आपका September month में love life कैसे रहने वाली है? Virgo, अगर आप किसी भी इंसान को like करते हो या उसके साथ relationship में हो, आप उस इंसान को अपने mind में रखो, deep breathing करो और ये reading देखो. Okay, let's start, Virgo. Angels, please guide me. Virgo's love life in September month. How it will gonna be? I know it will gonna be good. बहुत ही अच्छा होने वाला है क्योंकि September month है यार. I'm so excited for you, Virgo. Virgos, how you guys are doing? Please comment down below. आपको कैसा लग रहा है? कैसे आप feel कर रहे हो? बताओ बताओ. Comment करो. Okay. Okay, first your feeling. Okay, cool. Your partner's feeling. Relationship. Okay. Advice. Okay. Likely outcome. Okay. Virgo, you guys are dealing with another Virgo or maybe Taurus, Virgo, Capricorn. Major earth sign energy. आपके partner में के चार्ट में अर्थ साइन का बहुत बड़ा रोल है. आई कैन सी दैट. एंड कप्स ऑल्सो पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो. या पर मेजर इज अर्थ साइन के वर्गो कैप्रिकॉर्न टॉरस आपके पार्टनर के चार्ट्स में है मेंशन. लेट्स नॉट रिमेन फिक्स्ड ऑन द साइंस. लेट्स सी व्हाट द कार्ड्स आर टेलिंग मी. ओके, लेट्स टॉक अबाउट योर फीलिंग्स वर्गो. ओके, ऑब्वियसली यार आप लोग का बर्थडे मंथ है, गिफ्ट्स तो रिसीव होंगे ही आप लोग को. यस, सो यू गाइज विल रिसीव अ लॉट ऑफ गिफ्ट्स, अ लॉट ऑफ पैम्परिंग. एंड आई मीन आपकी फैमिली बहुत आपको सपोर्ट करेगी, विच द फीलिंग दैट आई एम गेटिंग राइट नाउ. एंड आई एम फर्स्ट टाइम वर्गो आई सी दैट आप लोग पास्ट, यू आर इन अ पास्ट रेमिसेंस मोड राइट नाउ. पास्ट रेमिसेंस मोड मीन्स आप लोग बहुत ही भूतकाल में जी रहे हैं. भूतकाल में जो जो कुछ भी हुआ, पास्ट में जो जो कुछ भी हुआ, बस उसी को रिवाइंड कर रहे हैं, उसी को दोहरा रहे हैं अपने अपने दिमाग में और उसी से खुश हो रहे हैं. समटाइम्स इट्स गुड बट समटाइम्स इट्स बैड बिकॉज व्हेन इट स्टार्ट्स अफेक्टिंग योर प्रेजेंट देन इट कम्स बैड. सो वर्गो आई विल टेल यू वन थिंग दैट प्लीज पास्ट में रहना छोड़ो. पास्ट की गुड मेमोरीज को याद करो. यस, क्यों नहीं, मेमोरीज को याद करो, उसको अपनी डायरी में लिखो, उसकी जर्नलिंग करो, उसको खुश रहो. बट सिर्फ पास्ट में जीना और प्रेजेंट में ग्लूमी रहना, इट्स नॉट अ गुड थिंग वर्गो. एंड आई नो वर्गो आप लोग बहुत सोचते हो, बहुत सोच विचार करते हो, तो प्लीज जस्ट स्टॉप डूइंग दैट. एंड या प्लीज अप एंड फॉर योर पार्टनर, यस आप लोग अपने पार्टनर के साथ फॉर मोस्ट ऑफ द वर्गो ऐसी आप प्रेजेंट में नहीं जीना चाहते हो. मतलब प्रेजेंट में आप उनके साथ मेमरीज नहीं क्रिएट करना नहीं चाहते. आई कैन बी टोटली रॉन्ग बट फॉर सम वर्गोज आई फील दिस एनर्जी अ लॉट कि आप उनके साथ प्रेजेंट मोमेंट में नहीं जीना चाहते हो, बस पास्ट में जी रहे हो. या आप अपने एक्स, यस नाउ आई गेट द वर्ड, आप अपने एक्स के बारे में जो पास्ट में जो लवर्स थे आपके, आप उनके बारे में सोच रहे हो रादर देन फोकसिंग ऑन योर करंट लवर, योर करंट करंट पार्टनर. सो प्लीज आई विल से प्लीज स्टॉप डूइंग दैट वर्गो बिकॉज दैट माइट, दैट कैन कॉज प्रॉब्लम्स. वील कम टू दिस लेटर. ओके, दैट कैन कॉज सम प्रॉब्लम्स. And Virgo, बस पॉजिटिव साइड रखो. इफ यू लाइक दैट पार्टनर, इफ यू लाइक योर पर्सन, तो प्लीज शो करो, कम्युनिकेट करो, बात करो, डेट पे जाओ एंड एवरीथिंग विल गो वेल. Virgo, योर पार्टनर्स फीलिंग, ओ माई गॉड, दे आर ऑब्सेस्ड विथ यू. Virgo, दे आर ऑब्सेस्ड विथ यू, दे लव यू अ लॉट.
एंड या पेंटिकल्स के कार्ड आए तो आई थिंक फाइनेंशियल इश्यूज तो बिल्कुल नहीं है वर्गो, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ही अच्छी हो गई आपकी और आपके पार्टनर की दोनों की. ओके, दे रियली लव यू एंड दे आर वेरी पॉजिटिव अबाउट यू. मे बी यू आर नॉट इन अ कमिटेड रिलेशनशिप राइट नाउ बट दे डेफिनेटली वॉन्ट अ कमिटेड रिलेशनशिप विथ यू. सो या तो थिंग्स कैन गो फर्दर, या यू कैन गेट कमिटेड और यू कैन गेट मैरिड एज वेल. एंड आई फील दैट योर पार्टनर विद दीज थ्री कार्ड्स आर अ वेरी वेल सेटल्ड. दे हैव अ रियली गुड करियर एज इन मैं ये नहीं कहूंगी कि उनको बाप का पैसा मिला एंड ऑल दैट. दे हैव ग्रोन अ लॉट. विल टॉक अबाउट दिस कार्ड नाउ. सो दिस इज सेवन ऑफ पेंटिकल्स. सेवन ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही कम आता है रीडिंग में. आई थिंक मेरी रीडिंग्स में तो बहुत ही, आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम एवर शायद सेवन ऑफ पेंटिकल्स आए किसी की भी रीडिंग में. एंड सेवन ऑफ पेंटिकल इज अ कार्ड ऑफ ग्रोथ, इज अ कार्ड ऑफ प्रोस्पेरिटी. जब आप मेहनत करते हो, जब आप उस मेहनत का रिजल्ट देखते हो ना, जब उस मेहनत का रिजल्ट देखते हो तो जो खुशी होती, सी द स्काई इज वेरी हैप्पी. तो वो चीज, उस चीज का जो मेहनत की जो खुशी मिलती है ना, उसका उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते, बस मैं ये कहना चाहती हूँ. एंड दे फील द सेम एनर्जी विथ यू व्हेन दे आर विथ यू. व्हेन यू बोथ आर विथ ईच अदर, यू गाइस फील अ लॉट ऑफ, एक रश नहीं होता है आप लोग को, एक आप लोग एक दूसरे को काम डाउन करते हो. यू गाइज नो वट यू गाइज वॉन्ट, मतलब इट्स अ ब्यूटिफुल, लाइक इट्स अ ब्यूटिफुल एनर्जी इज वॉट आई एम गेटिंग. पास में रहना छोड़ो एंड यू गाइज जस्ट इंजॉय योर सेल्फ. आप लोगों ने अपने रिलेशनशिप में वर्क किया है, आई थिंक बहुत हर्डल्स भी देखे हैं कुछ लोगों ने. यू गाइज हैव सीन अ लॉट ऑफ हर्डल्स एज वेल. पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ पे काफी पीछे बिल्डिंग्स दिखाता है कि देर इज अ लॉट ऑफ हर्डल्स, बट यू हैव ओवरकम योर हर्डल्स एंड नाउ यू आर जस्ट इंजॉइंग योर प्रेजेंट मोमेंट. आई विल से वर्गो, इट्स सेप्टेम्बर मंथ, आप लोग बस चेरिश करो अपने रिलेशनशिप को, चेरिश करो एंड सब कुछ बहुत अच्छा रहने वाला है. एडवाइस इज एस ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल अबाउट लग्जरी. यू गाइज विल बी स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी एज वेल एंड सेविंग्स एज वेल. सो या मे बी सम इश्यूज आ सकते हैं बिकॉज ऑफ योर एनर्जी वर्गो. मैं ब्लेम आपके ऊपर करूंगी, आपके पार्टनर के ऊपर नहीं, बिकॉज सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड आया है. सो आई विल से वर्गो कि थोड़ा ना ये जो सोच विचार वाली जो चीज होती है ना वर्गो के अंदर भी, आई एम ऑल्सो वर्गो, डोंट वरी अबाउट दैट, आई एम नॉट बैशिंग यू, आई एम बैशिंग माई सेल्फ ऑल्सो. सो जो बहुत जो आप सोचते हो ना, उस चीज से आपको प्रॉब्लम हो सकती है और आपके पार्टनर को भी प्रॉब्लम हो सकती है. सो प्लीज अवॉइड दैट. अदरवाइज आपका सेप्टेम्बर मंथ बहुत लविंग होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है. चेरिश करो मोमेंट्स, मेमरीज बनाओ, प्यार से बात करो, घूमो फिरो, बस खुश रहो. मेरी ब्लेसिंग से आप लोग खुश रहो, ठीक है वर्गो. लेट्स सी ओरेकल से आपके लिए क्या मैसेज आता है. ओके लेट्स सी. ओके, क्वीन येन, कोर एंड कंपैशन, चूज टू बी लव, डू व्हाट इज राइट फॉर एवरीवन इन्वॉल्व, ऑफर अ हेल्पिंग हैंड. या वर्गो, केयर एंड कंपैशन, प्लीज केयर एंड कंपैशन शो करना स्टार्ट करो. रोड साइड अपना थोड़ा मत लाओ, क्योंकि आई नो वर्गोस थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड रूड हो जाते हैं कभी कभार, बट प्लीज केयर एंड कंपैशन शो करो. और लव, चूज लव, प्यार दिखाओ, प्यार जताओ, बस प्यार से रहो. ओके वर्गो. एंड हाँ, जो लोग आपकी हेल्प लेना चाहते हो, प्लीज उनको हेल्पिंग हैंड दो, चाहे वो कोई गरीब हो, चाहे आपका कलीग हो, प्लीज हेल्प देम एज वेल, बिकॉज आई थिंक दिस एनर्जी इज टेलिंग यू टू हेल्प पीपल हु नीड योर हेल्प. ओके, सो आई होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो वर्गो. सो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर, आई एम सो सॉरी, एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो वीटा. बाय बाय.